बन रहे हैं यहाँ पर अचारी मैक्रोनी, इसको करते हैं मैरिनेट यहाँ पर, सही है। मैरिनेट के लिए सबसे पहले तो इसमें जाएगा यहाँ पर लो सोडियम राइट सॉल्ट, ये आपने इसमें डाल देना है, सही है। चलें जी, ये हम डाल देते हैं लो सोडियम राइट सॉल्ट। इसके बाद इसके अंदर जाएंगे यहाँ पर ये अचारी मसाला है, ठीक है, ये अचारी मसाला डाल देते हैं, बड़ा मज़े का इसका टेस्ट है। साथ में कुटी हुई मिर्चें, चटपटी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती है। इसके साथ डालते हैं लाल मिर्च पाउडर, साथ में आपने अदरक लहसुन, इसके बाद इमली का रस, और इसको यहाँ पे रखते हैं। अब इसको आपने मिक्स कर लेना है, और दूसरे पैन के अंदर आपने ऑयल डालना है, और उसके अंदर आप टमाटर डाल दीजिएगा, ठीक है। पास्ता को बॉईल करने में रख देती हूँ पहले, इसको मैंने सोच ली थोड़ा सा इसको मैं मैरिनेट कर लूँ, सही है। ये अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है पूरा मसाले के साथ। चटपटी बड़े मज़े की बनती है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, इसका एक यूनिक फ्लेवर लगेगा। चलें जी, ये होगी रेसिपीज तैयार। अच्छा जी, बस इसमें टमाटर डालती हूँ, टमाटर के साथ इसमें कीमा डाल देंगे, ताकि कीमा जो है हमारी हाई फ्लेम पे कीमा जो है पक जाए। और यहाँ पर जो बेक पार्लर का आपने देखा है पास्ता, उसको भी मैंने बॉईल करने रख दिया है, तो मैं ऐसा करती हूँ टमाटर डालकर कीमा डालती हूँ, और जब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर पहले मैंने ऑयल डाला था, ऑयल के अंदर मैंने टमाटर डाले, और उसके बाद मसाला लगा जो कीमा था वो डाल दिया। मसाला लगा कीमा क्या था, मैंने इमली का रस लिया, इसके अंदर हल्दी ली, साथ में मैंने राइट सॉल्ट लिया, साथ में अचारी मसाला लिया, कुटी हुई मिर्चें और लाल मिर्चें, ठीक है। सारा मसाला लगा कर उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया, और उसके बाद ये देखिए बड़ा अच्छा सा ही गल चुका है, ये देख लीजिएगा कीमा, और इसकी जो मतलब अचार का जो फ्लेवर है वो भी आ रहा है। और ये मैंने बेक पार्लर का जो लिया था पास्ता, जिसको मैंने बॉयल करके रखा था, ये हम इसमें डाल देते हैं, सही है। बड़ी जल्दी मतलब गल जाता है, सॉफ्ट सा हो जाता है, ये देखिए। बस अब इसको हम इस तरह से मिक्स करेंगे, ठीक है। मिक्स करने के बाद आप चाहे तो इसमें शिमला मिर्च डालें, आप चाहे तो हरी प्याज डालें, आपकी मर्ज़ी, अगर ऊपर कुछ वेजिटेबल, वरना बच्चे ज़रा सा होता है कि वो ज़्यादा कह देते हैं कि नहीं भाई हमें खाली बस वैसे ही खाने हैं, तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। बस इसको मैं इस तरह से मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से, ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, और मज़ेदार सी अचारी मैक्रोनी जो है हमारी रेडी हो गई। ये देख लीजिए, बस इसको मैं थोड़ा कम कर देती हूँ, सही, हल्का सा कम कर लीजिएगा। चलें, ये भी रेडी हो गया, सही है। अच्छा, अब क्या करना है, तीनों रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट होगी। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है बहुत मज़ेदार सा हरे मसाले की मछली, साथ में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जो चने की दाल का पुलाव है वो भी तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर थोड़ा सा आपने ले लेना है हरा धनिया, बारीक काट के डाल दीजिएगा, साथ में आप डाल दें हरी मिर्चें, और जिस तरह से मैंने कहा शिमला मिर्च अगर आप डालना चाहते ये भी बारीक काट के इसके अंदर डाल सकते हैं, बारीक काट के हरा धनिया डालते हैं, एक अदद अगर हरी मिर्च भी डाल दें तो क्या बात है, इसका और टेस्ट अच्छा आ जाएगा। ये देखें, ये हरी मिर्च है, इसको हम इस तरह से बीच में से पहले आपने थोड़ा सा कटिंग कर लेना है, ये देखें। अब इसको चले जी, ये हमने बारीक काट लिया, सही है। ये इसके ऊपर चली जाती है हरी मिर्चें और हरा धनिया,